ये मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी कहानी है। सबसे बड़ी बात तो यही थी, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में ऐसा है कि जो हम में से हर किसी से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। बाद बाकी फिल्मों में तो एक्ट करना पड़ता है, इस फिल्म में शायद एक्ट नहीं करना पड़ा। ये जो फिल्म है, जो हमारी पहली फिल्म है, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये जो फिल्म ने हमने उठाया एजुकेशन सिस्टम, और उस एग्जाम्पल को लेके कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जो प्रिंसिपल स्टैंड है, उसके बारे में हमने बात किया है। अभी समझो अन्ना मूवमेंट हुआ, और अन्ना मूवमेंट में हमने देखा इतने लोग बाहर आ गए और सब ने बोला कि यू नो एंटी करप्शन, करप्ट नहीं होना है। बट एक्चुअली करप्शन मिटाना कितना मुश्किल है, नहीं करप्ट होना कितना मुश्किल है, ये हम इस फिल्म में बता रहे हैं। मुझे इसमें इंटरेस्ट सिर्फ इस बात का है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। फिल्म मेकिंग को छोड़ के फिल्म को जनता तक पहुंचाने के लिए, और सिर्फ फिल्म को ही नहीं, एक अलग किस्म की फिल्म को, एक ऐसी फिल्म जो नॉर्मली थिएटर में शायद रिलीज ना हो पाएगी, ऐसी फिल्म जो नॉर्मली जिसको फंडिंग शायद ना भी मिले, और ऐसी फिल्में बनाने वाले भी बहुत हैं और उनको देखने वाले भी बहुत हैं, दोनों को मिलाना ज़रूरी है। ये फिल्म अपने आप में एक माइलस्टोन फिल्म है, अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो इसके प्रमोशन के साथ जुड़ी है, क्योंकि ये कहानी एक युद्ध की है, ये कहानी एक कॉमन मैन की है। द एक्सपीरियंस हैज बीन फैबुलस, क्योंकि एज एन एक्टर मैं नया एक्टर हूँ, सो टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वीरेंद्र सर, अ सीनियर लाइक वीरेंद्र सर, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। किरदार को निभाने का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो भी बहुत फैसिनेटिंग रहा है, क्योंकि ये जो किरदार है अक्षय शर्मा का, ही इज़ अ स्टूडेंट जिसको मेडिकल में, क्योंकि उसके मार्क्स कम आते हैं तो उसको एडमिशन, मार्क्स कम नहीं आते एक्चुअली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द सिस्टम वो ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं आता, प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं एक्सेट्रा, तो क्योंकि वो करप्शन के वजह से उसका नाम नहीं आता, और उसके फादर के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके फादर बोलते हैं कि हमें डोनेशन देनी चाहिए, क्योंकि मजबूर हैं, वो चाहते नहीं हैं डोनेशन देना, लेकिन अक्षय कहता है कि हमें डोनेशन नहीं देनी चाहिए, जो यूथ है वो किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता अपने प्रिंसिपल्स के साथ। ये किरदार है उसका, हीरोइक है, तो मुझे अच्छा लगा वो निभा के।